नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप ईपीएफ के मेंबर्स हैं तो ये वीडियो जो कि आप सभी के लिए ईपीएफ की जो ये अब जो ईपीएफ का जो ये अपडेट आया है, इससे ईपीएफ के 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो कि बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे जो कि ईपीएफ का जो यहाँ पे 6 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका कि डेट ऑफ बर्थ गलत है, और अगर हो सकता है कि आपका भी यहाँ पर ईपीएफ में डेट ऑफ बर्थ जो कि गलत हो सकता है कि आपका भी हो। तो पहले क्या होता था, अगर आपका 1 साल से डेट ऑफ बर्थ ईपीएफ में ज़्यादा है तो उसके लिए आपको ये 3 ऑप्शन मिलते थे, एजुकेशन सर्टिफिकेट और यहाँ सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्टर बर्थ और पासपोर्ट का। यहाँ पे यानी कि अगर अगर आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट है तभी अगर आपका ईपीएफ में 1 साल से ज़्यादा का डेट ऑफ बर्थ है तभी आप जो करेक्शन कर पाते हैं। और इसके कारण यहाँ पे बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनका कि ईपीएफ में जो कि डेट ऑफ बर्थ गलत है और उनके कारण उनका जो ईपीएफ का यानी पैसा जो है उनका पेंडिंग में है। तो इस वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस करके बताने वाला हूँ नए अपडेट के बाद कि अगर आपका ईपीएफ में अकाउंट है तो कैसे जो है कि अपने आधार कार्ड से, अगर अगर मान के चलिए अगर आपका 1 साल से ईपीएफ में आपका 1 साल से ज़्यादा का भी डेट ऑफ बर्थ है तो नए अपडेट के बाद ईपीएफ का जो नया अपडेट आया उसके बाद जो है कि अगर आपका 1 साल से ज़्यादा का भी है तो भी अगर आप जो है कि आधार कार्ड से ही कैसे आप जो है कि यहाँ पर मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ प्रोसेस कि अगर आपका ईपीएफ में 1 साल से ज़्यादा का डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप अपने आधार कार्ड से यहाँ पर जो कि ऑनलाइन उसको करेक्शन आप कर सकते हैं। और इससे जो है कि 6 करोड़ से ज़्यादा लोग इस तरीके से अपना आधार जो है कि 1 साल से ज़्यादा भी डेट ऑफ बर्थ है तो वहाँ पर करेक्शन कर पाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रोसेस करके बताने वाला हूँ कैसे आप कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे ईपीएफ का जो ऑफिशियल सर्कुलर वेबसाइट है वहाँ पे कुछ दिन पहले सर्कुलर यहाँ पे जो कि इशू हुआ था जिसमें यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे जो ईपीएफ का जो सर्कुलर वाला वेबसाइट था यहाँ पे देख सकते हैं ईपीएफ सर्कुलर के वेबसाइट पे आपको यहाँ पे सर्कुलर दिया गया है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका लिंक आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहले यहाँ पे 3 ही ऑप्शन आपको मिलता था 1 साल से ज़्यादा का डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने के लिए, पर अब यहाँ पे टोटल आपको 7 ऑप्शन मिलता है, 7 ऑप्शन आपको मिलते हैं, 4 नए ऑप्शन को यहाँ पे ऐड किया गया है और जिसमें कि आधार भी है, यानी कि एक आधार कार्ड भी शामिल यहाँ पे, जिससे कि आधार के थ्रू भी अगर आपका ईपीएफ में 1 साल से ज्यादा का डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला लाइव प्रोसेस कि कैसे आप कर सकते हैं। तो सिंपली उसको क्या उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपका ईपीएफ का जो ईएन मेंबर पोर्टल है उसको आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है आपको गूगल क्रोम में, अपने फोन में या फिर लैपटॉप में, जहां भी आप अपने फोन में भी सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उससे सिंपली आप अपने ईपीएफ का मेंबर पोर्टल को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको यहां से मैं लॉगिन कर लेता हूं। जैसे आप अपना ईपीएफ का मेंबर को लॉगिन करेंगे तो देख सकते हैं ये मेरा पर्सनली यहाँ पे ईपीएफ का मैंने पोर्टल खोल के रखा हुआ। हाँ, आप सभी को मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं अपने चैनल पर ईपीएफ का यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको ईपीएफ से रिलेटेड आप सभी को मैं वीडियोज़ दूंगा। अगर आपका ईपीएफ में कोई, अगर आपको मान के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है तो हमसे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक ईपीएफ के मेंबर्स हूँ तो मैं चाहता हूँ जो भी मुझे अपडेट पता चले मैं आप लोगों तक वो अपडेट को पहुँचाऊँ या फिर वो अपडेट जो है कि आप लोगों तक मैं बताऊँ आपको। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला, जैसे मेरा देख सकते हैं यहाँ पर मेरा खुद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है कि ईपीएफ में गलत है तो मैं आपको इस वीडियो में लाइव उसको अप्लाई करूंगा कैसे आप इसको 1 साल से ज्यादा भी है तो इसको आप जाइए कि ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना, अपना ईपीएफ का मेंबर जो है इसको इस टाइप से लॉगिन कर लेना, और लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे मैनेज में, और मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल में क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जैसे आपसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल डिटेल्स, यानी मेरा पहले वाला आधार नोट अवेलेबल यहाँ पे है, फिर नाम है, डेट ऑफ बर्थ है कि ये मेरा गलत है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर आधार में आधार कार्ड आधार नंबर डाल देना आपको, फिर यहाँ पे जो भी आपका आधार में यानी करेंट आपको यहाँ पे आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे मैं अपना सारा चीज फिल कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने अपना सारा चीज़ हो गया आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, उसके सामने यहाँ पे अलर्ट करके आपके सामने इंपॉर्टेंट करके जो कि एक नोटिफिकेशन शो होगा जिसमें कि लिखा हुआ अगर आपका 1 साल से ज़्यादा का है तो यहाँ पे अभी भी वही सेम चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो कि क्या है कि यहाँ पे भी तीन, तो यहाँ पे जो कि अपडेट नहीं हुआ यहाँ पे ईपीएफ का जो साइट है इसमें, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप जो आधार का डॉक्यूमेंट सबमिट या फिर बाकी के डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अपलोडेड कर सकते हैं। और जो कि आपने देखा कि यहाँ पे सर्कुलर भी इसका जो है कि यहाँ पे सर्कुलर में भी यहाँ पे जारी हो चुका है ईपीएफ की तरफ से। तो सिंपली क्या करें हम, जैसे यहाँ से सारा चीज करने के बाद उसके आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोडेड डॉक्यूमेंट इन सपोर्टेड डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको चूज़ द फाइल के ऊपर यानी कि आपको यहाँ से अपलोडेड करना है। तो यहाँ से अपलोड आपको क्या करना है, आपका जो आधार कार्ड का पीडीएफ फाइल है आपको अपने आधार कार्ड का पीडीएफ फाइल को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड को, अगर आप अपना आधार को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपना जो कि ई आधार गूगल में सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पे आधार का साइट ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद जो कि आप देख सकते हैं आप माय आधार पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो भी आधार नंबर है वो एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास फोन में है पीडीएफ फाइल या फिर पेन ड्राइव में तो आप डायरेक्टली आप वहाँ से अपलोडेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि मेरे
पास मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था, उसके बाद यहाँ से मैंने अपलोड कर दिया है। तो सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे, और जो कि सेलेक्ट एम्प्लॉयर, यानी कि मान लीजिए आपका जो एम्प्लॉयर है, आप कितने जगह काम कर रहे हैं, आप ये रिक्वेस्ट जो है किनको सेंड करना चाहते हैं आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपलोडेड, यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना। तो फिर से आपसे यहाँ पे कंफर्म डिटेल आएगा, कंफर्म डिटेल में आपको पढ़ लेना, यहाँ पे पहले वाला आपका यहाँ पे शो कर रहा जो भी था, और यहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट यानी जो आपने अभी डाला होगा या फिर जो आपका करेंट है आपको यहाँ पे डालना है। तो आपने जो भी डाला होगा आपके सामने यहाँ पे अगर कंफर्म आपको यहाँ पे शो होगा तो आप यहाँ से एक बार चेक कर लीजिए कहीं आपका फिर से आपको गलत ना डाल दें। तो उसके बाद जैसे आप यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे ये पता कर सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है कि वो कितने, यानी कि आपका कितने साल का डेट ऑफ बर्थ गलत है आपका पीएफ में और आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो सिंपली आप उसके लिए क्या करेंगे, आप गूगल क्रोम में अपने फ़ोन में लिख सकते हैं यहाँ पे एज कैलकुलेटर, तो आप ये गूगल में कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से आप अपने फ़ोन के यानी फ़ोन में जो कैलकुलेटर है आप वहाँ से भी जोड़ सकते हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मान के चलिए आपको जो ई पी एफ में गलत है आपको वो डेट ऑफ बर्थ डाल देना। जैसे आप यहाँ पे मेरा जो है कि 15/11/1994 है, तो सिंपली यहाँ पे आपको नवंबर 15/1994 और उसके आपका जो आधार कार्ड पे यानी करेंट जो डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ से फिल वो वाला कर देना है। उसके जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे एक कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो भी आपका जितने आपका डेट ऑफ बर्थ में जितने साल का भी ज़्यादा या कम होगा तो आपको यहाँ पे यानी कि आपका पीएफ का अब डेट ऑफ बर्थ यानी कि यहाँ पर पीएफ में आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कितना यहाँ पे डिफरेंस है सर आपको यहाँ पे, जैसे मेरा 1 साल 1 महीना 17 दिन का, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता देगा। देख सकते हैं ये जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है यानी पीएफ में ये गलत है और ये मेरा आधार कार्ड में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल 1 महीना 17 दिन का यहाँ पे मैं देखिए डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस है। तो सिंपली आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कितना ईजिली तरीके से आप यहाँ पे आधार कार्ड से, अगर आपका 1 साल से ज़्यादा यानी 3 साल तक का अंदर का डेट ऑफ बर्थ हो तो भी आप जो है कि ऑनलाइन आप जो है कि करेक्शन कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जो है कि आप यहाँ से, मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो यहाँ पे लोडिंग में है, या फिर उसके बाद जैसे अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद जो है हो सकता है देख सकते हैं यहाँ पे अभी मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस नंबर हो गया, यहाँ पे जो मेरा जो कंपनी का नाम है उसके बाद जो भी मेरा पहले का ये था और जो कभी मैंने चेंज यहाँ पे आधार नंबर और मेरा डेट ऑफ बर्थ तो शो कर रहा है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में भी आ चुका है। तो ये आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगा और एम्प्लॉयर यहाँ से जो कंफर्म कर देगा तो आपका जो है ये आपका जो कि आधार कार्ड वेरीफाइड हो जाएगा और जो कि आपका जो कि KYC भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो EPF में है आधार कार्ड भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे कितना आसान तरीके से, अगर आपका 1 साल से ज़्यादा का भी डेट ऑफ बर्थ है गलत EPF में तो उसको बड़ी आप जो कि बहुत आसान तरीके से आप जिसको करेक्शन आप कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको रेगुलर इस तरीके से वीडियोस आपको मिलेगी या फिर जो भी EPF से रिलेटेड जो भी छोटे से बड़े अपडेट होगी आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दिएगा अपने सभी उन लोगों के पास जिनका भी EPF में अकाउंट है या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।